अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, आफाक सन सीरीज इंग्लिश ग्रेड 7 वर्कबुक। टुडे वी सॉल्व द यूनिट नंबर 3 विच इज अबाउट डैफोडिल्स, जो कि आज का हमारा लेसन है। वर्कबुक से हम सॉल्व करेंगे रीडिंग बुक पे, जो कि यूनिट नंबर 3 था, डैफोडिल्स के बारे में है। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम राइट किया गया है। नीचे हमें कहा गया है रीड द फॉलोइंग पोइम, इस पोइम को आप पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और जो नीचे हमसे क्वेश्चंस किए गए हैं उसका आपने जवाब देना, ठीक है। यहाँ पे हम इस पोइम को पढ़ते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, हाउ मीन्स कितनी ब्यूटीफुल, खूबसूरत इज है द रेन, बारिश, बारिश कितनी खूबसूरत है। आफ्टर के बाद द डस्ट, धूल एंड और हीट, गर्मी, धूल और गर्मी के बाद। यहाँ पोइट हमें बता रहा है कि गर्मी और धूल के बाद बारिश कितनी खूबसूरत है। इन द ब्रॉड, चोरी एंड और फायर स्ट्रीट, जलती हुई गली, मतलब इतनी गर्मी है, क्योंकि हमारी ये जो पोइम राइट की गई है, इस पोइम का नाम है रेन इन समर, कि गर्मी में क्या बारिश का होना, ठीक है। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसका कहा गया है कि जो गली गली है, स्ट्रीट गली है, वो क्या है, चोरी है और जल रही है। किस वजह से जल रही है, गर्मी की वजह से। इन द नैरो, तंग लेन, गली, तंग गली में। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, बारिश कितनी खूबसूरत है। हाउ इट क्लैटर्स, गरगराता, अलोंग के साथ, द रूफ्स, छतों के, छतों के साथ ये कैसा गरगराता है। लाइक द ट्रैम्प ऑफ द हूप्स, कि जो घोड़ों की आवाज़ आती है ना उनके चलने की, उसका कहा जा रहा है। हाउ इट गशिस, निकलना एंड स्ट्रगल, जदोजहद करना, आउट बाहर, कि ये किस तरह बाहर निकलता है और जदोजहद करता है। अब यहाँ पे रेन वाटर की बात हो रही है। फ्रॉम द थ्रॉट, गले को कहते हैं, ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, यहाँ पे जो हम छतों पर पाइप वगैरह लगाते हैं पानी नीचे आने के लिए, यहाँ पे उसका रेफरेंस है कि उस सुराख से किस तरह पानी नीचे आता, थ्रॉट, उसे कहा गया है गले को, ठीक है। अक्रॉस इस पार्ट द विंडो पेन, के खिड़की के लहर, ठीक है, खिड़की को कहा जाता है खिड़की के इस पार या फिर उस पार। इट प्योर्स एंड प्योर्स, ये अंडेलता है और डालता है, ठीक है, ये अंडेलता है और डालता है। एंड और स्विफ्ट, तेज एंड और वाइड, स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, वाइड मीन होता है चौड़ा, कि ये क्या है, कि ये चौड़ा है। सबसे पहले हमें कहा गया है कि ये अंडेलता है और डालता है और तेज है, ठीक है, और चौड़ा, ठीक है, ये तेज भी है और चौड़ा भी है। विथ के साथ, आ मडी टाइड, और क्या है, कीचड़ की लहर के साथ, कीचड़, ठीक है, कीचड़ कहा गया है, कीचड़ की लहर के साथ। लाइक अ रिवर, रिवर हम यहाँ पे किसको कहेंगे, दरिया को। डाउन नीचे, द गटर रोड्स, के अब गटर के नीचे दरिया की तरह गरजता है ये, ठीक है। द रेन, बारिश, द वेलकम रेन, कि यहाँ पे क्या है, बारिश को क्या कहा जा रहा है, वेलकम, मतलब उसका इस्तकबाल किया जा रहा है, बारिश, बारिश का इस्तकबाल। द सिक मैन, बीमार आदमी को कहा गया है। फ्रॉम हिज चैम्बर, अपने हुजर से, लुक्स, नज़र, ठीक है, लुक्स के क्या कहते हैं, नज़र आता है, कि अपने हुजरे से बीमार आदमी नज़र आता है। एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, के क्या होता है, बटे हुई ब्रूक्स पर, ही कैन, वो कर सकता है, फील, महसूस, द कूल, ठंडक, वो ठंडक महसूस कर सकता है। ब्रीद सांस ऑफ ईच, हर लिटिल पूल, पूल हम तालाब को कहेंगे, कि हर छोटे तालाब की सांस, हिज, इसका, फीवर बुखार को कहा जाता है, फीवर बुखार में मुबतला, ब्रेन दिमाग, इसका बुखार में मुबतला दिमाग। ग्रोस कॉम अगेन, कि वो फिर से पुरसकून हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, एक क्या है, सिक मैन है, उसे क्या है, वो बुखार में मुबतला है, वो अपने क्या हुजरे से बाहर देख रहा है, बताया जा रहा है कि उसके दिमाग में क्या है, बुखार है, लेकिन वो क्या है, इसकी ठंडक को महसूस कर सकता है। एंड और ही ब्रीथ्स, वो सांस लेता है,
अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग हम रहमत को, बरकत को कहते हैं, ऑन द रेन और बारिश में बरकत का सांस लेता है। कि ये बीमार आदमी के लिए भी बारिश क्या साबित होती है, बरकत वाली, रहमत वाली साबित होती है। इसमें ओवरव्यू देंगे बच्चों को हम कि इसमें हमें बेसिकली पॉइंट क्या बता रहा है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है बताई गई है जो कि रेन के बारे में है, किस तरह जो रेन है जब गर्मियों में होती है, किस तरह जो गलियां गर्मी की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे क्या जल रही हैं, उनकी ठंडक जब रेन अपनी बारिश से उनको ठंडक काट देता है, फिर जब वो होती है उसकी साउंड को डिस्क्राइब किया गया है, ऐसे लग रहा है जैसे घोड़े चलने की आवाज़ होती है वैसे ही है। फिर बताया गया किस तरह ये एक बीमार आदमी के लिए ब्लेसिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है जो कि इसी पोएम के रिलेटेड पूछे गए हैं, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज द पोएम वांट टू कन्वे थ्रू हिज पोएम, कि जो कि यहाँ पे हमारे पास पोइट है वो इस पोएम के जरिए पोइट क्या, यहाँ पे पोइट आएगा कि वो इस पोएम के जरिए हम तक क्या पहुँचाना चाह रहा है, ठीक है, इस पोएम के जरिए। तो हम क्या कहेंगे, द पोएम कन्वेज, ये जो पोएम है हम तक पहुँचाती है। हाउ कैसे रेन ब्रिंग्स, कि किस तरह बारिश लेके आती है रिफ्रेशिंग रिलीफ ड्यूरिंग द समर, कि गर्मियों में किस तरह ये लोगों के लिए सुकून लेके आती है। जिस तरह गलियाँ जल रही होती है गर्मी की वजह से, लोग परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से, बीमार लोग, तो ये किस तरह उन सब के लिए क्या लेके आती है, सुकून और रहमत लेके आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन जब डू रेन ड्रॉप्स क्लटर ऑन द रूफ, कि कैसे, कब जो रेन ड्रॉप्स है रूफ्स पर जो छत पे पड़ती है कब पड़ती है, तो हम क्या कहेंगे, रेन ड्रॉप्स क्लटर ऑन द रूफ्स ड्यूरिंग अ रेनफॉल। यहाँ पे हम स्टॉर्म भी कह सकते हैं कि जब रेन होती है, या फिर ड्यूरिंग आ रेन भी कह सकते हैं, अगर रेनफॉल नहीं करना, रेन तक भी हम करेंगे तो ठीक है, कि ड्यूरिंग द रेन, कि रेन के दौरान ये सब होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर एंड हाउ डज द रेन वाटर फ्लो, कि कब और कैसे जो रेन वाटर फ्लो करता है, द रेन वाटर फ्लोस, कि जो बारिश का पानी है कैसे फ्लो करता है, स्विफ्टली, ठीक है, तेज़ी से, थ्रो के साथ, गटर्स एंड डाउन स्पोर्ट्स, कि इन सब के जरिए वो फ्लो करता है और कब करता है, ड्यूरिंग द रेन, ठीक है, ड्यूरिंग द रेन कहेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया था लिटरेरी डिवाइसेस का, कि इसमें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। मैंने ओवरऑल पूरी पोएम का लिख दिया, यहाँ पे जो हमारी बुक पे अभी हमने पोएम रीड की थी वो फुल पोएम नहीं है, उसमें से कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल पूरी लाइन का बताया कि इसमें पर्सोनिफिकेशन क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफर कौन से हैं, इमेजरी कौन सी है, रेपिटिशन हमारी यहाँ पे कौन सा है, सारी मैंने यहाँ पे हाइपरबोल क्या इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सबका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमारे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पोइम से ही लिए गए हैं, और कहा गया है कि आप उसका क्या करें, कि इन फ्रेजेस के मीनिंग बताएं, ठीक है, उनके क्या हैं। यहाँ पे जो कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास है, फायरी स्ट्रीट है, जिसका मतलब हम क्या कहेंगे, द हॉट स्ट्रीट, ठीक है, कि जलती हुई गली गर्मी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, गश एंड स्ट्रगल आउट है यहाँ पर, तो इसका हम क्या कहेंगे, द सडन फ्लो ऑफ रेन वाटर, के जो वाटर का फ्लो आता है ना एकदम से, उसे हम कहेंगे। ट्विस्टेड ब्रूक्स का कहेंगे वेरी स्मॉल रिवर, जो कि पानी इकट्ठा हो जाने से हो जाता है ना, पानी इकट्ठा होकर हो जाता है, उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट हमें क्या कहा जा रहा है, राइट ऑन द समरी ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, शॉर्ट सी समरी राइट करेंगे, इसके नोट्स पे लिखी गई है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में समरी राइट की गई है, अगर आपको इसे लेंथी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको लेंथी प्रोवाइड कर दूँगी। रेन इन समर इज़ द पोएम, ये एक पोएम है डैट जो कि पोर्ट्रेस बताती है द रिफ्रेशिंग क्वालिटीज़ ऑफ रेन, कि जो कि रेन की क्वालिटीज़ बताती है, खसूसियात हमें बताती है, किस तरह ये हमें रिफ्रेश कर देती है द समर सीज़न, कि समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में भी, फिर क्या, ब्रिंगिंग लेके आते हैं रिलीफ टू द नेचर एंड एम्फिसाइजिंग द हार्मनी बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड, किस तरह ये दोनों में हार्मनी लेके आती है, ठीक है, इंसानी के दरमियान, फिर नेचुरल के जो नेचुरल वर्ल्ड होता है उसे डिस्क्राइब करती है, किस तरह ये नेचुरल है ना बारिश हमारे लिए, किस तरह हमारे लिए ये सूथिंग होती है, किस तरह हमारी ज़िंदगी को रिलीफ देती है और किस तरह हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आती है।
नेक्स्ट हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज है, जिसमें हमें एलिट्रेशन का बताया गया है, सिमिली है, मेटाफर है, ओनोमेटोपोया के बारे में या पर्सोनिफिकेशन के बारे में कहा गया है। एलिट्रेशन क्या है, जो कि एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिमिली क्या है, किसी की खसूसियात को दे देना, ठीक है, खसूसियात दे देना। मेटाफर क्या होता है, हम कह देना कि वो चीज़ है ही वो, मतलब किसी की खसूसियात को कहना वो है ही वह जैसा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिमिली के एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, जैसा है, ठीक है, तो वो चाँद जैसा, तो ये सिमिली है। मेटाफर में क्या होगा, अगर माँ कहते हैं कि मेरा बेटा है ही चाँद, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, कि वो खसूसियत कह देना कि है ही उसकी है, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, ये मेटाफर है। ओनोमेटोपोया भी इसमें इस्तेमाल किया गया, पर्सोनिफिकेशन भी की गई है। नीचे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं, वो कहा गया है कि आपने बताना है कि ये कौन सी टू टाइप्स है फिगरेटिव की, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सारा इज़ एज क्यूट एज अ कैट, अगर एज और लाइक जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाएं तो वो सिमिली को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एज और लाइक क्या होते हैं, सिमिली होते हैं। यहाँ पे देखें एज इस्तेमाल किया गया और मेटाफर भी है ये। इसी तरह यहाँ पे कैट का बताया गया और उसकी साउंड का बताया गया है। ओनोमाटोपिया है इसमें और साथ में पर्सोनिफिकेशन है ये। रिवर लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स, ठीक है, पीछे हमारी पोइम से दिया गया है, इससे हमें बताएंगे ये पर्सोनिफिकेशन और साथ ही ये क्या है, सिमिली है। नेक्स्ट नीचे ग्रामर का पोर्शन आ गया। ग्रामर के पोर्शन में कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि क्वालिटी को बता दे, ठीक है, किसी की अच्छाई को, खासियत को, बुराई को, किसी भी तरह की उसे बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स हैं ये। रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, यू द सेम एडजेक्टिव इन मेक अ ऑन योर सेंटेंसेस। नेक्स्ट अब बताए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं और एडजेक्टिव सेंटेंसेस, उसमें हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करके उसके ऊपर न्यू हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, अमेरिकन, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट इज प्लानिंग टू लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स टू। यहाँ पे जो वर्ड अमेरिकन है, इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने सेंटेंस फिर बनाना, हम कहेंगे आई एम एन अमेरिकन, मैं क्या हूँ, अमेरिकन हूँ। यू आर एन ऑसम टीचर, यहाँ पे ऑसम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। दिस फीचर इज ऑसम, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वर शेयर्ड इन अ मैगजीन। इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट, शी कैन डील विद द अंडर वाटर प्रेशर। अंडर वाटर यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ही डाइव्ड अंडर वाटर, ठीक है। द स्नो कैप्ड माउंटेन्स इज़ अ फैसिनेटिंग साइट। फैसिनेटिंग एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ अ फैसिनेटिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, दिस ब्रीथ टेकिंग पिक्चर इज ऑफ अ वेडिंग। यहाँ पे दे गेव अ ब्रीथ टेकिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द बेस्ट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। यहाँ पे एडजेक्टिव की जो कि डिग्रीज हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, फिर सुपरलेटिव है, यहाँ पे उनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमारी रीडिंग बुक की एक्सरसाइज में एडजेक्टिव की टाइप्स का डिटेल से बताया गया है। बच्चों को वो वाली एक्सरसाइज सारी सोल्व करके समझा कर फिर हम बच्चों से ये कहेंगे ये सोल्व करें। येलो इज द मोस्ट लाइटेस्ट कलर इन योर पेंटिंग। देखें यहाँ पे दा इस्तेमाल किया है, दा हम सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं और दा के बाद ई एस टी मतलब सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लाइटेस्ट। नेक्स्ट है, द टेस्ट वाज, यहाँ पे देन द फाइनल पेपर, यहाँ पे कंपेरिजन किया गया फाइनल पेपर के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, मोर डिफिकल्ट। एन एरोप्लेन मूव्स एट ग्रेटर स्पीड देन अ कार। नेक्स्ट हमारे पास है, न्यूयॉर्क इज द मोस्ट एक्साइटिंग सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, दा के साथ हमेशा मोस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। द ग्रेप्स वर द राइपेस्ट फ्रूट इन द स्टोर। नेक्स्ट है, द न्यूज़पेपर इज मोर करंट देन द मैगजीन। द एलिफेंट इज द हैवीएस्ट एनिमल। यू लुक हैप्पियर देन अदर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, फिल इन सिक्स एडजेक्टिव बॉक्स एंड डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स दिए गए हैं सिक्स, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर हमने क्या किया, उनको फिल कर दिया गया है। और फिर नेक्स्ट हमें कहा गया है, इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। मैंने इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर सिक्स सेंटेंसेस राइट कर दी हैं, जिसमें मैंने रॉयल काइंड हार्टेड है, ग्रेट है, केयरिंग है, फिर आगे हूँ नेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं। अब इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग देख लेते हैं।
आप इसको फिल करते हुए आप यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्रेंड का नाम बता सकते हैं, ठीक है, वो ऐसा है, और मेरा क्लासमेट वगैरह इस तरह बता सकते हैं। मैंने उन्हीं सिक्स एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए यहाँ पे राइट किया। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ इनक्रेडिबल लॉयल है। आई एम ग्रेटफुल टू हैव एन काइंड हार्टेड फ्रेंड, कि मैं शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास इतना रहमदिल दोस्त है। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ होनेस्ट, कि वो ईमानदार है। ही इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत ख्याल रखने वाला है। ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी उसकी क्वालिटी है, ठीक है। ही इज़ ट्रूथवर्डी, ठीक है, और वो सच्चा बोलने वाला, सच बोलने वाला, इस तरह हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेज है, इसमें कहा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बताना है। यहाँ पे दोबारा से रिव्यू ही समझ लें आप बच्चों की, जैसे कि हम यूनिट नंबर 2 में हमने सोल्व किए थे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, माई फ्रेंड बॉट चिप्स एंड जूसेस फॉर द पार्टी। यहाँ पे चिप्स एंड जूस क्या है, सर्कल किया गया, सर्कल वाले को हमने क्या कहना है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शी गेव अस, कि उसने हमें दिया कॉइन्स फ्रॉम हर कलेक्शन, ठीक है, कॉइन्स, और यहाँ पे अस यहाँ पे क्या हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास था आई एट इटालियन फूड ट्वाइस अ मंथ, ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे इस सेंटेंस में। मारिया बॉट हिज डैड अ न्यू वॉयलेट, हिज डैड यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ न्यू वॉयलेट क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इस वाले सेंटेंस में, ना तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शी फाउंड अ 1000 रुपी नोट ऑन द ग्राउंड, 1000 रुपी हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जिनको अंडरलाइन किया गया है और जिनको सर्कल किया गया है उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया है। शी कुक्स चाइनीज फूड, इसमें ना तो हमारा डायरेक्ट है और ना ही इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस हम बच्चों के यहाँ पे बताएंगे कि इसका क्या है, किसके तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर आने वाले कल को बताते हैं। यहाँ पे आगे इसका फार्मूला राइट किया गया, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, विल और शैल राइट करेंगे, हम बच्चों को बताएंगे शैल हमेशा आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अभी जैसे हमने बताया कि हमने आई वी के साथ शैल राइट करना है, बाकी सबके साथ हमने क्या करना है, विल राइट करना है, और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, रूबीना विल लीड, ठीक है, लीड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, द हॉकी टीम दिस ईयर। आई शैल रिकॉर्ड, आई के साथ हमेशा शैल आता है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, शैल रिकॉर्ड योर सॉन्ग इन माई फोन, रिकॉर्ड। हीना सेज डैट ही विल विजिट दिस संडे, समरा एंड आई, यहाँ पे देखिए दो पर्सन का अपना अपने साथ जब किसी पर्सन का करते हैं, यहाँ पे जब जरूर जमरों में आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, जो कि आई और वी के साथ शैल रखता है, तो वो आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा विल डेकोरेट आवर क्लास रूम, माई फादर विल बी हैप्पी टू नो अबाउट माई पोजिशन। फिर नेक्स्ट इसी तरह कहा गया है कि यहाँ पे फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल फ्यूचर टेंस, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। शी विल स्टिच अ न्यू ड्रेस फॉर द अपकमिंग पार्टी, माय मदर विल ब्रिंग न्यू फर्नीचर फॉर ड्राइंग रूम, शी वी के साथ हमेशा शैल आता है, वी शैल विन द फाइनल मैच अगेंस्ट इंडिया, दे विल रिटर्न आवर बुक्स सून। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे दे के साथ विल आता है, तो विल स्टार्ट पे आ जाएगा। विल दे विजिट पाकिस्तान दिस ईयर, माई अंकल विल गिफ्ट मी अ लैपटॉप। यहाँ पे कहा गया है कि क्या करना, फ्यूचर टेंस को ही हमने इस्तेमाल करते हुए पेरिस में आप हॉलीडे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वेयर के बाद विल आ जाएगा, वेयर विल यू विजिट इन पेरिस, व्हाट विल यू बाय, व्हाट प्लेसेस विल यू विजिट, वेयर विल यू ईट, हाउ विल यू ट्रेवल इन पेरिस, विल यू टेक अ लॉट ऑफ फोटोज, ठीक है, हमने अपनी इन सबको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, लेकिन करेंगे किस में, सिंपल फ्यूचर में करेंगे, और प्रिडिक्ट करेंगे कि अपनी कंपनी ये हमारी कंट्री में होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वेदर का बताया गया था, जो कि ऑलरेडी डन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड का फूड प्रोडक्शन विल वर्क एफिशेंटली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टूरिज्म विल फ्लोरिश इन माई कंट्री, वर्क, मैंने वर्क और फूड दोनों का सेम किया है क्योंकि इसमें वर्क वर्ड इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट एजुकेशन विल बी इजीली अवेलेबल इन माई कंट्री। आगे है इन्फ्लेशन, प्राइसेस विल बी गो अप बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है करप्शन विल बी रिड्यूस इन माई कंट्री। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस दिए गए हैं, हमने इसके दरमियान पंक्चुएशन मार्क्स करने हैं, जो कि कैपिटल लेटर्स होंगे, फुल स्टॉप्स हैं, कॉमास हैं।
यहाँ भी सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। जब हमारा जब भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, लास्ट पे हमने फुल स्टॉप लगाना होता है। और इसी तरह बच्चों को समझाएंगे कि बेटा कोई भी सेंटेंस के दरमियान किसी का नेम आ जाए तो उस नेम का फर्स्ट लेटर भी हम क्या करते हैं, कैपिटल राइट करते हैं। यहाँ पे देखें, आफ्टर स्कूल के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा, शी गोज होम, कॉमा, क्लीन हर रूम एंड वॉश डिशेज, ठीक है। लास्ट पे फुल स्टॉप आ गया। यस के बाद कॉमा, आई कैपिटल आ जाएगा, गॉट अ गुड ग्रेड ऑन माय टेस्ट। टेस्ट के बाद देखिए एक्साइटमेंट यहाँ पे शो की जा रही है, तो लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। आई कैपिटल आ जाएगा, आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2 के बाद कॉमा, ठीक है। फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे साइमा, ताहिर और बिलाल है, तो इन सब के दरमियान कॉमा और नेम है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएंगे। माजिद आर गोइंग टू शॉप ऑन द वीकेंड, लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है, ही कैपिटल लेंड माई फादर्स कैमरा फॉर स्कूल्स फंक्शन, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन जो मूवीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमा आ जाएगा, क्राइम एंड मिस्टीरी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हिनास कॉमा लगा के ऐसा आएगा, हुनेस्टी इंस्पायर्स मी अलॉट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों की राइटिंग के लिए कहा जा रहा है कि इमेजिन यू आर लॉस्ट इन द जंगल, कि आप जंगल में खो गए हैं, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे स्पेंड अ नाइट देयर, आपने एक रात गुजारी है, आपने अपना क्या करना है, एक्सपीरियंस बताना है, क्या हुआ था, किस तरह आपने मैनेज किया, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म के लिए बच्चों के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नाम लिखे हैं, मैंने सबसे पहले इनके आंसर दिए हैं। सबसे पहले देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड यू रीच देयर, क्या आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, तो मैंने इसका आंसर दिया है। पहले पॉइंट नेम मैंने बना लिया, फिर नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर पूरा एक पैराग्राफ राइट किया। गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अ हाइकिंग ग्रुप ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, कि हम हाइकिंग कर रहे थे, स्टॉर्म आ गया, उसके दौरान मैं खो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि वेयर करेक्टर डिड यू मीट, वहाँ पे कौन कौन से करेक्टर जो आपको मिले, तो हम क्या कहेंगे, अ वाइस ओल्ड हॉर्मेट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 है, हु हेल्प यू टू स्केप, इससे किसने आपकी मदद की, तो हम कह सकते हैं द हर्मिट शेयर्ड सर्वाइवल नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट 4 है, हाउ डिड यू स्पेंड योर नाइट, आपने कैसे की, तो हम कहेंगे बिल्ड अ शेल्टर, कि मैंने एक शेल्टर वगैरह खुद ही बिल्ड किया। हाउ डिड यू मैनेज टू स्केप फ्रॉम देयर, किस तरह आपने किया, तो हम कहेंगे फॉलो द हर्मिट गाइडेंस थ्रू द जंगल, के जंगल में मैंने उनकी जितनी भी गाइडेंस थी उनको फॉलो किया, इस तरह मैं बच पाया। अब इसके ऊपर पैराग्राफ राइट किया गया है, उसे देखते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, के जो भी तूफान था उसके दौरान, आई गॉट सेपरेटेड, मैं अलहदा हो गया फ्रॉम माई हाइकिंग ग्रुप, जो मेरा ग्रुप था हाइकिंग का, एंड फाउंड अ वाइज हर्मिट इन द जंगल, उसके जब मैं उनसे अलग हो गया तो मैं जंगल में खो गया, तो मैंने एक अक्लमंद हर्मिट के साथ मिला जंगल में। ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया सर्वाइवल स्किल्स बहुत ज़्यादा, किस तरह मैं सर्वाइव कर सकता हूँ जंगल में। एंड स्पेंड द नाइट इन आ शेल्टर, और इसी तरह जो पहले बताया गया कि शेल्टर बिल्ड किया और उसमें मैंने नाइट गुजारी। आई एस्केप्ड बाय फॉलोइंग His guidance, जो भी हर्मिट ने मुझे गाइडेंस दी उसको मैंने फॉलो किया। क्रॉसिंग अ रिवर, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने रिवर को क्रॉस किया। एंड फाइंडिंग माई वे बैक होम, और इस तरह मैं अपने घर दोबारा पहुंच पाया। आई लर्न, मैंने सीखा अलॉट, बहुत ज्यादा अबाउट के बारे में, रिजिलियंस एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में मैंने बहुत सारा कुछ सीखा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पैराग्राफ लिखे हैं, अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसकी डिटेल वगैरह मैं आपको फ्राहम कर दूँगी। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 को सोल्व करेंगे।